भी अभी भी वो खींच के नहीं निकल सकता ना, उसको फिर हटाना ही पड़ेगा, थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगा। आओ लिख रहा था यहाँ पे ना, यहाँ तो मतलब है कि वो उतना दूर तक अंदर जा नहीं पाएगा, यहीं कहीं अड़स के बैठा है। अरे बहन को ऊपर अरे ओम हो गया पूरा आ जाएगा। मुंडी सेफ्टी के साथ शादी है। ले भैया इसमें भी कहानी लगता है आपको, तो सबको लेना रिकॉर्डिंग में ना। देखिए जो सांप आप देख रहे हैं ना, इसी को हम लोग धामिन कहते हैं, असड़िया कहते हैं, इंग्लिश में रेट स्नेक कहते हैं। तो यही काफ़ी बड़ा हो जाता है, ये रोड के बराबर बराबर का हो जाएगा, मतलब जहर नहीं है और काटता बहुत तेज है, जहाँ से गुस्सा होगा ना तुरंत काट लेगा, वो आदमी मर जाएगा। नहीं नहीं मरेगा नहीं, और इसका दांत जो है ब्लेड की तरह एकदम नोखिला नोखिला दांते दांत है, अगर जहाँ पकड़ेगा पूरा चीर की तरह एकदम चीर देगा। भैया आगे फाड़ देखे खुद ही पकड़िए ना, हिला भैया मुंह फाड़ देवा जे की चाहे बाबा। इधर बाबा इधर आइए। अब क्या क्या बोल रहे थे सपवा के बारे में, क्या बता रहे थे? चढ़िया के समझ। इससे क्या होता है, काटता है तो ये सांप काटता है तो कोई भी 7 दिन ये वो दिन मंगल बुध कोई नहीं, इसका कोई जहर नहीं रहता है, इसमें कोई जहर नहीं है, दिखने में बड़ा हो जाता है मगर जहरीला सांप नहीं है। और धामिन जो है बहुत बढ़िया है, क्योंकि जितना भी हमारा खेती बाड़ी हो रहा है चूहा और ये सब कीड़े मकोड़े उन्हीं को खा के जीता है, तो इसीलिए इसको मारने से चूहा बढ़ेगा, मेढक बढ़ेगा, कीड़े मकोड़े बढ़ेंगे। तो भगवान ने क्यों बनाया, सबको बनाया है कि एक संतुलन बना रहे, कि एक आदमी दूसरे का मदद करे। टीका में यही है भैया, आप सभी लोग ध्यान दीजिए। हम लोग इसलिए बनाए, वो हमारा विश्वकर्मा भाई अरे दीपक जो है उसने बहुत मदद की है, उसी ने ये कैमरे से सारी रिकॉर्डिंग बनाई, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ अपने भाई को, क्योंकि हमेशा मेरी मदद करता है और जब भी मैं फ़ोन करता हूँ ये खाली रहेगा, तुरंत आएगा और मेरे लिए वीडियो बनाता है, इसलिए मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ अपने भाई का। ठीक है भाई ना, कौन से सांप है? चलो हो गया हो गया। देखिए जो स्नैक हम लोगों ने अभी पकड़ा है, इसको हम लोग कहते हैं धामिन, घोड़ा पछाड़, रेट स्नैक, असड़िया, अलग अलग भाषा में अलग अलग बोलते हैं। ये बिल्कुल जहरीला नहीं है मगर ये काटता तो इतना तेज काटता है कि आदमी को ब्लेड की तरह एकदम चीर के रख देगा। तो हम यही सोचते हैं कि भैया सांपों को जो है कभी भी मारिए ना, उनको समझिए। इधर आइए आप इधर आइए, दीजिए इसको पकड़िए यहाँ से। हाँ हाँ हाँ, छोड़ दीजिए छोड़िए, देखिए वो अपने आप धीरे 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 वो चला जाएगा। हाँ अब उसको अपने प्रकृति आवास में जाने दीजिए, वो अपना जहाँ जाना चाहता है वो जाएगा।